हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, मुझे हमारे व्यूवर्स ने पूछा है कि मैंने वैक्स जो मैं कर रही हूँ तो मेरी वैक्स टॉफ़ी की तरह हो गई है, अब मैं क्या करूँ। देखिए, वैक्स यानी कि टॉफ़ी की तरह होने मतलब कि बहुत ज़्यादा थिक हो गई या फिर वैक्स ओवर हीटेड हो गई या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई कि वैक्स जो है वो थिक हो गई। ओवर हीटेड होने की वजह से ही ये होता है, आपने वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म की होगी जिसकी वजह से वैक्स थिक हो जाती है, तो वो क्या होता है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। उसे करेक्ट कैसे करना चाहिए, अब देखिए। सबसे पहले है कि अगर आपकी वैक्स को इस तरह से प्रॉब्लम वैक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो करेक्ट करने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देना चाहिए। मेरे पास एक भी मैसेज था कि मैम क्या हम थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, तो जी नहीं, आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, आप उसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हो और फिर उसे हल्का सा गर्म करके उसे थिन कंसिस्टेंसी में लेकर आ सकते हो। अब ये भी क्वेश्चन था साथ में कि वो थिक हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लग नहीं रही है, अप्लाई नहीं हो रही है, रिमूव नहीं हो रही है, चिपक नहीं रही है। इसका रीज़न देखिए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आता है ना गर्मियों में, सर्दियों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ गर्मियों की, गर्मियों में जो वैक्स होती है वो स्टिक नहीं होती है, हमारे शरीर से भी मॉइस्चर रिलीज होता है, इस वजह से वो चिपकती नहीं है गर्मी की वजह से, और हमारी जो वैक्स स्ट्रिप होती है ना वो भी वैक्स पर प्रॉपरली नहीं स्टिक हो पाती है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, ये रीज़न जो है ये है समर सीज़न की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब समर सीज़न थोड़ा डाउन पे है, अब थोड़े टाइम बाद आपकी वैक्स प्रॉपरली होने लग जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वैक्स को लेके सीधी सी बात है, अगर वैक्स थिन हो गई है, थिन मतलब कि मॉइस्चर आ गया है वैक्स में, तो आपको उसे हीट अप करके उसे टेम्परेचर को थोड़ा डायरेक्ट हीट देके वैक्स हीटर में नहीं, आपके इंडक्शन गैस या इन पे डायरेक्ट हीट देके उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ओवर हीट, अब देखिए जब हम गर्म करते हैं, ओवर हीट की वजह से जो वैक्स है वो थिक भी हो जाती है उसी टाइम, जैसे कि मैंने कहा टॉफ़ी जैसी हो जाती है। उसको करेक्ट करने के लिए लेमन जूस ऐड करना पड़ता है, लेमन जूस उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करेगा और उसके मॉइस्चर को भी जो है, मॉइस्चर उसमें निकल चुका होगा, लेमन जूस से अपनी कंसिस्टेंसी में लेके आ जाएगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो वो उतरना उसको इनसे उतरती भी नहीं है, बहुत हार्डली उसे उतारना पड़ता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब वैक्स आपकी हो जाती है उसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना है। हाँ, ये है कि जो विंटर्स हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन्स को ये पता नहीं होता है, मैक्सिमम गर्ल्स को ये पता नहीं होता है, गर्मियों में वैक्स करना बहुत हार्ड होता है। सिर्फ हाँ, अगर आप एसी में, अगर एसी ऑन है, एसी वाले कमरे में कर रहे हो तो आप आसानी से वैक्स कर लोगे, तब कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम आपको तभी फेस करनी पड़ती है जब गर्मी होती है, आपको भी स्वेटिंग आ रही होती है और वैक्स भी गर्म होती है, और गर्म वैक्स को हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो गर्म होने की वजह से हमारे स्किन जो है वो मॉइस्चर रिलीज कर देती है, वैक्स में मिक्स हो जाता है और वैक्स प्रॉपरली नहीं हो पाती, हमारी वैक्स स्ट्रिप भी प्रॉपरली स्टिक नहीं होती है, यही रीज़न है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।